हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आप सभी का परमार्थ चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको श्री सूक्त का पाठ करना बताने जा रहे हैं। श्री सूक्त का पाठ क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है और किस प्रकार किया जाता है, आइए संपूर्ण जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले, श्री सूक्त का जो भी भक्त नित्य प्रतिदिन पाठ करता है, सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय, उस पर भगवती महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और इस प्रकार से पाठ करना चाहिए। आइए हम सभी लोग पाठ को इस प्रकार से करें, तभी माता प्रसन्न होती हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह ताम मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम विन्देयम् गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपभवे शीर्मा देवी जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहूपहवे श्रियं चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवशखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपाशामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिञ्च शर्वान्निरुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहूपहवे श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दम श्रियं देवी श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवश मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम मावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यश्याम हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुह्याद्दाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशरचं च श्रीकामः शततं जपेत्। ॐ श्री महालक्ष्म्यर्पणमस्तु। इस प्रकार से माता भगवती श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आप इस प्रकार से पाठ करना सीखें। आपको पाठ जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। हरी ओम, हरी ओम।